वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ क्लास 8th एंड दिस इज द सेकेंड चैप्टर एंड दिस इज अवर थर्ड वीडियो। लेट्स बिगिन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। So it tried, though without success, to help one of Sirajuddola's rival become the Nawab. कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। An infuriated Sirajuddola asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यूज, और किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लुक द वेयरहाउस, डिसआर्म द इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, देन ही मार्च टू द कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। और फिर उन्होंने पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ऑन हियरिंग द न्यूज of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forced under the command of Robert Clive. Calcutta के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। Reinforced by naval fleet, prolonged negotiations with the Nawab followed. इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर, और इसका एक कारण यह था फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मिस्टर मीर जाफर। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यह था कि उसके सेनापतियों ने में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी में था। वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स नेवर फोर्ड द बैटल। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। मीर जाफर की टुकड़ियों में इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर
मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। द प्रोमिस ऑफ रिचेज, संपन्नता का आश्वासन। द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मर्सेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ इंग्लिश मोनार्च, एंड ऑन 7 जनवरी 1759 फ्रॉम कलकत्ता। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासक की महत्वाकांक्षाओं को संदेह और आश्वासन से देखते थे, और प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। बट सो लार्ज ए सोवरेनिटी मे पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्सेंटाइल कंपनी, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई फ्लैटर माई सेल्फ, मैं खुद यह सोचकर अभिव्रत हूँ, दैट देयर विल बी अ लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ दिस रिच किंगडम, कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। नाउ आई लीव यू टू जज वेदर एन इनकम ईयरली ऑफ 2 million sterling विद द पोजेशन ऑफ 3 provinces बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन। और अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि सालाना 20 lakh sterling की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड नवाब। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी अब भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्ट वाज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, और इसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरीज नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, और अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही क्या थी। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रादर डिफिकल्ट, और जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड देम टू बी, और कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंशन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वॉन्टेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। व्हाट कुड द